Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. तू तो आ जा इधर आया मेरा पुत बुआ के पैर हाथ लगा वेले आए नहीं मेरा बच्चा नहीं पुत सब धीमे धीमे हैं आ बैठ बैठ वैसे एक बात है हाँ है किट्टू धीमे धीमे करके तू बड़ा फास्ट निकल गया है ये चौथी लड़की देख रही हूँ मैं तेरे साथ यहाँ पे हैं साल के एंड तक रुक जाओ ये उनकी हीरोइन्स हैं अलग अलग फिल्में की हैं उन्होंने हीरोइन्स हैं उनके मैं भी हीरोइन्स की बात कर रही हूँ दूसरी वाली तो मैंने बोली नहीं अभी और खुद तूने किसके नाम का टैटू बनवाया हुआ है क्या और रह टैटू टैटू बनाया मैंने किसके नाम दिखा टैटू लोगों को इस उम्र में टैटू बनवा दी तू तो क्या हो गया टैटू बनाया जिसके लिए टैटू बनाया वो आज सामने बैठे हुए वैसे इनका नाम मनीष है लेकिन मैं प्यार से हर्ष कहती थी ये देखो बुआ तेरे को कितनी बार कहा शो में आके डिस्टर्ब ना किया कर वो तो मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ तो आज बुआ डिस्टर्ब करने लग गई अर्चना भाई साहब सुना आपने बुआ डिस्टर्ब कर रही है ये बच्चे बदल गए आजकल के वैसे मैं किसको कह रही हूँ जिसने बड़े बड़े बदल दिए बुआ क्या करने आई तू यहाँ पे मेरे बच्चे आए हैं मैं उनको खाना खिलाने आई हूँ 9:30 का टाइम इतना फ्रूट रख देता है कितनी बार कहा रात को फ्रूट नहीं खाते ले पुत्र मेरे बच्चे आए हैं सारा पुत्र मैंने देखा तू घर का काम करती आलू छीलते फटाफट 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 आलू छील बुआ ने ज्वाइन तो हरा धनिया डाल के पराठे बना देने तेरे लिए बुआ नवाबों की बेटी तू उनसे आलू छिलवा रही है तू नवाबों की बेटी है तो क्या मैं औरंगजेब छिलवा दूं कितनी पतली हो गई है खाती नहीं कुछ सारा तू है और इधर देखो किट्टू पुत्र ये क्या मुंह का हाल बनाया इतना तीखा मुंह करके आया है मेरी बात सुन ले किसी ना किसी दिन तेरी किसी फ्रेंड को तेरा मुंह चुभ जाना है इतना तीखा मुंह है बुआ ये जॉ लाइन होती है तो सब तेरी किधर है मेरी नहीं तेरी किधर है जॉ लाइन है ये सब हीरो लोगों की होती है ये हां तो तेरी क्यों नहीं पुत्र को मैं ही पढ़ती मैं हीरो हूं ही नहीं अच्छा फिरंगी में हीरो ही था तू किसी ने देखी ऐसा ना कह पुत्र और किट्टू सब ठीक है सब ठीक हुआ ये क्या किट्टू किट्टू लगाया कार्तिक आर्यन नाम है उनका इतना कार्तिक आर्यन होगा दुनिया के लिए मेरे लिए मेरा बच्चा किट्टू है इतना सोता था माला पहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी इतना चलाक होता था ओए इसने सुसु करना धीमे 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 सच्ची कह रही हूँ इतना तो होता था अर्चना बहन जी दो दांत इसके बाहर होते थे पूरे मोहल्ले की लड़कियां गाजर बन के घूमती थी खरगोश था ये बुआ को सब पता है चल इधर आ बुआ को डांस स्टेप सिखा वो तेरे को डांस सिखाने आया यहाँ पे अच्छा दीपिका को एयरपोर्ट जाके सिखा सकता है तो मेरे को बस स्टैंड में नहीं सिखा सकता तू बड़ी नोरा फतेही है जो तेरे को सिखाए डांस को पुत मैं कितनी नोरा फतेही हूँ उन अंकलों को पूछ मेरा डांस देख के आज भी जिनका साकी साकी निकल जाता है एक मिनट हाय नहीं मैं मर जानी मेरी बच्ची सारू पैंजी एक मिनट देखो पूरी अमृता लगती है ना अच्छा मम्मी ने मेरे बारे में बताया कुछ नहीं बताया मैं बता देती हूँ वैसे मैं सबकी पुआ हूँ लेकिन सारा हूँ तेरी मासी हूँ तू कहाँ से मासी हो गई उनकी पुत तेरी मम्मी और मैं ना दिल्ली में एक साथ पढ़ा करते थे
तेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी मुझे, ओ हो जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, आज देख लो वो मुंबई में करोल बाग में। कोई ढंग की बात नहीं आती बुआ, तेरे को फालतू बोली जाती है जब भी आती तू। एक मिनट तो ढंग की बात कर लेते हैं। किट्टू तेरी फिल्म देखी थी मैंने, पति पत्नी और वो। हाँ। मेरा भी वही चल रहा है। कौन? तूने बताया नहीं कभी तेरे और फूफा के बीच में कोई वो भी थी? नहीं नहीं पुत्र, मेरे और फूफा के बीच में कोई नहीं थी, बल्कि मैं हूँ मिस्टर और मिसी तिवारी के बीच में। अरे पता है मुझे कभी कभी मम्मी बोलती भी है, बेटा तू इनके जैसा ज्यादा दिखता है मेरे से। ओए होए होए डॉक्टर साहब क्या बताऊं, बता दूं? ओए होए क्या दिन थे वो जब मनीष जी की नई नई मतलब डॉक्टरी लगी थी, वो प्रैक्टिस करनी शुरू हुए थे और मैं नई नई बीमार होनी शुरू हुई थी। आए हाय ओहो मजा ही आ जाता था, मतलब शरेआम तो मेरे दिल की धड़कन सुन नहीं सकते थे। हाँ। इसलिए कान में ना हेडफोन लगा के मेरे दिल की धक धक भुक भुक धक धक भुक भुक सुनते रहते थे धड़कने। धड़कने नहीं सुनते वो, चेकअप होता है, स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते वो। हैं? हाँ। चेकअप चुपका मुझे ना बता। आया बड़ा, हाय डॉक्टर साहब की उंगलियों में जादू होता था। ओह गॉड। ओए होए अर्चना पेंजी मेरा बीपी हाई होना, उन्होंने उंगलियों के बीच में उंगलियां डाल के मेरा हाथ दबाना, मेरा बीपी लो हो जाना। पेंजी जरा कान में हाथ रख लो बच्चे को। मैंने कार्तिक को कोई बात बतानी है। क्या बताना है? वो तो बात तेरे को बताती हूँ। गर्मियों के दिन थे, मेरे ना नई नई पथरी हुई थी स्टोन, और इनका कैंप लगा हुआ था, इनकी भी नई नई मूछें फूटी थी। मैं डर के मारे किसी को बताऊ ना पेंजी की मेरे पथरी है, मैं ऐसे खड़ी डर पीछे से आए मेरे पेट पे ऐसे हाथ रख लिया, मेरी गर्दन के पास आए और मेरे कानों में कहते कमा कप्पू, मैं शर्मा गई, कहते घबरा मत पथरी पानी पीने से निकल जाती है। तो इसमें क्या गलत है, उन्होंने एडवाइस ही दी तो क्या हुआ? हाँ तो पुत्र पथरी निकल गई लेकिन डॉक्टर आज भी दिल में है। बुआ जी अच्छा हुआ आपने ये कहानी पहले नहीं सुनाई, वरना जवानी जाने मन में इनके फादर होते हमारे लिए। बच गए हम लोग, बच गए। बुआ हो गया तेरा आलू दे पुत्र, हो गए हो गए, हो गए आलू भी हो गए आलू। लेकिन मैं पुत्र तेरे को एक बात कहनी, जब मम्मी आसपास ना हो ना पापा को कह देना, पापा को कह देना मैं सामने कह देती हूँ, मनीष जी मैं आज भी सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ। खाली पेट गर्म पानी। बाय मुन्ने, बाय चली में। सभी पात्र नकली हैं सिवाय इनके। मैं भूरी कोर्ट की जज होने की हैसियत से सारा अली खान, कार्तिक आर्यन और टॉप की अदालत देखने वाले सभी दर्शकों का इस्तकबाल करती हूँ। इस्तकबाल, इस्तकबाल? ये टॉप की अदालत है, टॉप का मुशारा नहीं। 2 रुपए के मुंह पे 4 रुपए की दाढ़ी लगा के 5 रुपए की दिहाड़ी बनाने वाला, अपना काम करो तुम चुपचाप। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या मिला तुम्हें, क्या मिला तुम्हें किसी की जिंदगी खराब करके घर बैठा के, क्या मिला उस आदमी को, हंसता रहता था बेचारा, घर बैठा दिया उसको आपने। किससे बात कर रहे हैं? उनसे, ये तो एसी का रिमोट है। Oh my God, सारा अली खान, कितनी क्यूटनेस है। मेरा दिल कर रहा है मैं टेडी बेयर बन जाऊं। आप मुझे हग करके फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दो, मुझे वायरल कर दो आप। आई लाइक दैट। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अंदर का जो कार्तिक आयरन है उसका दम घुट रहा है। इतना सा कार्तिक बचा है, बचा लो उसे। आप मुझे अपने साथ वेकेशन पे ले जाओ, आप स्कूबा डाइविंग करना, मैं मछलियां पकड़ूंगा उधर। अरोड़ा जी आप अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं, और आप सोनी टीवी का पिछले 3 साल से वक्त, पैसा, कॉस्ट्यूम सब जाया कर रही है। मैंने आपको कुछ कहा है? जितना खर्चा आप पे हुआ है अगर इस पे कर देते ना तो ये भी नोरा फतेही लगता मेरे को। तुम क्या हंस रहे हो, तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। नया आर्टिस्ट 2 लाइनें क्या बोल दे, इनसे देखा नहीं जाता। ये लो पकड़ो, जा रहा हूं मैं।
अब तुम कोर्ट की हथेली, चलो इधर आ जाओ। एक्सक्यूज मी, ये अदालत है, किसी के बाप का घर नहीं है। कोई भी जज बन जाएगा और फिर जज को अर्दाली बना देगा। तुम्हें जज के साथ बहस करने के जुर्म में जुहू बीच में पानीपुरी का ठेला लगाने की सजा सुनाई जाती है। ये कैसी सजा है? चटपटी। मेरा बड़े दिनों से खटा खाने को मन कर रहा था, मुझे तो डर है मैं कहीं माना बन जाऊं। चलो कार्रवाई शुरू की जाए, मैं जज। यार बड़ा मजा आता है इधर बैठ के। ऑपोजिशन का वकील आज रो। मजदूर का हाथ है कादिया। तू फिर मजदूर का हाथ ले आया? वो दिहाड़ी करने के लिए बैठा हुआ है, उसका हाथ वापस कर। कितना चिल्लाता मैं। वो मेरा हाथ ले गया तो मैं उसका हाथ हिलाऊंगा। लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देता है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देते हैं, तो मान लो वो चीज पसंद ना आए तो वापस लोहा बना देते हैं? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन माय लॉर्ड। आप बहुत फनी हैं। अच्छा मुझे लगा उल्टी आई तुम्हें। मेरा सबसे पहला आरोप सारा अली खान पर है। आप बहुत क्यूट हैं, लेकिन सच में इतनी क्यूट है नहीं। मतलब आप जितने क्यूट बनती हैं उतनी क्यूट नहीं है, ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो फिर उनका भी आप पे आरोप है कि आप इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल में इंसान है ही नहीं, ये पिशाच है, पिशाच। हाँ, और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पिशाच करना मना है। ओए ओए, ऐसा चिल्लाओगे तो मेरा पिशाच निकल जाएगा। आजा निकल जाए। निकल जाएगा तो निकल जाए, लेकिन आप केस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मेरा केस पे सारा का सारा ध्यान केस पे ही है। मैं आपको एक बात बताऊं सारा। बताइए। जज मैं इन लोगों के लिए हूँ, आपके लिए मैं एज ए बॉयफ्रेंड बैठा हुआ हूँ। आप जज हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, अगर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को जज कर सकती हैं, तो जज को बॉयफ्रेंड क्यों नहीं कर सकती? मिलॉर्ड, दिस इज ओपन एंड शट केस। आप इस तरह खुलेआम कोर्ट में फ्लर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तुम शरेआम कोर्ट में ढाई ढाई किलो का फाट कर सकते हो, और हम फ्लर्ट नहीं कर सकते। दिस इज ओपन एंड फाट केस मिलॉर्ड। सारा, अंजी, आप इस तरह एक क्यूट स्माइल देकर अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकते। आपको सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, और मैं भी देखता हूँ कि आपको कौन बचा दाए। मैं बचाऊंगा सारा को झांपड़ी के। कौन? अबे बताओ तो सही, जाना कहाँ है? नहीं तो मैं अनिल कपूर हूँ, मैं ऐसे अहले पहुंच जाता हूँ। अच्छा तो तू लड़ेगा सारा के खिलाफ। अबे ओ हिमाचली मोमो, भैंसों का तबेला लगता है तू। मार्केट में खड़ा हो जाए ना तो ठेला लगता है तू, और इतने बड़े गांव का बड़ा मेला लगता है तू। एक मुझे भी आया, और बंगाली बाबा का चेला लगता है तू। चुट्टी चुट्टी चुट्टी। Okay, the pleasure is all mine. एक मिनट, अदालत में ऐसे केस कौन लड़ता है? अरे वाह, ये चिरकुंडी बोलती भी है। वाओ, तुझे पता है, तुझसे बड़ी मूछे रख के छोड़ चुका हूँ मैं। बड़ी आई। मूछे रख के कोई भी छोड़ सकता है, अगर मामा का दूध पिया है, सॉरी, अगर माँ का दूध पिया है तो डांस छोड़ के दिखा। मैं तो कब से कहना चाहता हूँ कि दामिनी बेगुनाही चड्ढा साहब, ठकराल साहब ने अदालत के साथ तोइन की है, तोइन। इन बकवासों को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर मल्होत्रा को बाइज्जत बरी करता हूँ। दिस ओपन एंड शट केस, आई थिंक। जज साहब, मिस्टर मल्होत्रा कौन है? और तेरी माँ दामनी किधर है फिर? मल्होत्रा किधर है? अपनी बारी में कुछ नहीं है, मैं अब खुद चीट कर रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो मैं नहीं खेलता। छुट्टी। रुक जाइए, केस लड़ने से पहले मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूँ कि मैं आज तक एक केस भी नहीं हारा। मैं भी अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि मैं भी आज तक कोई केस लड़ाई नहीं हूं। ये क्या बात हुई?
चल कोई बात नहीं, सबसे पहले इस कोर्ट में मैं कुछ दस्तावेज पेश करना चाहूंगा। मैं भी इस कोर्ट में दस्ता नॉनवेज पेश करना चाहूंगा सर। दस्ता नॉनवेज क्या होता है? जब तेरा दस्ता वेज हो सकता है तो मेरा दस्ता नॉनवेज क्यों नहीं हो सकता? ये कैसी आसुदी खेल खेला जा रहा है मेरे साथ? अगर आपका दस्ता नॉनवेज है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरा दस्ता वेज था, वेज है और वेज रहेगा। अबे ओ, ज्यादा वेज वेज मत कर नवरत्न कोर में। बकवास किया जा रहा है, तो चाहे कितनी भी बकवास कर ले, ये केस मैं और सारा ही जीतेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ। मैं आपको ये केस जितवा सकता हूँ, मेरी जज के साथ जान पहचान है। एक मिनट, जान पहचान? आप खुद जज हैं? हाँ हाँ, तो मेरी खुद के साथ जान पहचान है। और मैं एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ। हाँ। मैं रोज खुद को बिना कपड़ों के देखता हूँ। और मैं सोनी टीवी से अपील करना चाहता हूँ, मुझे कपड़े बदलते वक्त जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए। मैं सोनी से अपील करती हूँ कि हमें एक बेहतरीन जज दें, प्लीज। ओए बुजुर्ग बिल्ली। मैंने ना तेरे मुंह पे हथौड़ा मार दिया ना तेरे। ज्यादा ये चले जाके ब्रास बैंड वालों के आगे खड़ी हो जाए। इतनी डराई जा रही है मेरे को, इतने सारे केस पेंडिंग है, पानी भी नहीं पिया मैंने और बकवास करी जा रहे। आ तुम शुरू हो जाओ। सारा अली खान पे मेरा अगला इल्जाम है, क्या अक्सर देखा गया ये अपने घर से सूट पहन के निकलती हैं, जबकि ये भली भांति जानती हैं कि सूट पहनी हुई लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। हाँ। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। जो आपने गाना गाया, आप मुंबई नहीं आ सकते। मुंबई क्या, आप अपने घर भी नहीं जा सकते। माय लॉर्ड, आप कोई अच्छा सा गड्ढा देख के उसमें बैठो, मैं ऊपर से ट्रक निकलवा दूंगा। माय लॉर्ड, आपने देखा फिल्म सिटी में ये भालू कैसे पागल हो रहा था। जी, आप फालतू बकवास बंद करो, पहले मेरे को वो गाना सुनाओ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। पहले मुझे लग रहा था आप सिर्फ अनिल कपूर ही खराब कर रहे हैं, आप तो गाना भी बड़ा भाई याद गाते हैं। आप नहीं मुंबई आ सकते, आप आ सकते हैं, आपका इनसे बेटर था। वकील साहब और जज साहब, यहाँ इंडियन आइडल नहीं चल रहा। इतनी देर से इधर खड़ी हो, मुफ्त के पैसे ले रही हो, इसमें से जुए निकालो। चलो गॉड, निकालो और जो सीनियर होंगी उनको छोड़ देना। जज साहब, मेरे सुस्त दोस्त ने सुस्त है ये सारा के ऊपर इल्जाम लगाया है जी कि वो सूट पहनती हैं। हाँ। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो मैं अदालत में पेश करना चाहूंगा। दिखाओ। ओए ओए, सारा अली खान का इंस्टाग्राम, ये होता है ग्लैमर, ये देखो। आपने मेरी ग्लैमर देखी कहाँ है? इन्होंने परसों सोशल मीडिया पे एक फोटो डाली बिकनी में। बिकनी? ऐसी बिकनी में फोटो डाली, वो बिकनी बिकनी बंद हो गई। देखिए जज साहब, पर्सनल हो रहे हैं। उस दिन इसने एक और फोटो डाली, चिलिंग इन मालदीव्स। मालदीव्स वालों नीचे लिखा, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए, अगर भूरी अपने पे आ गई ना, तो मलाड को भी मालदीव्स बना के मादा रखती है। ये मजदूर का हाथ है, गाड़िया उसको वापस कर। बार बार मजदूर का हाथ है, मजदूर का हाथ है, अपना नहीं लेके आ सकता तू? मजदूर का हाथ है, बाल चुड़ैलों के, पता नहीं क्या क्या हाल है तेरा। मैं लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देता हूँ। 50 साल से सुन रहा हूँ मैं, लोहे को पिघला के आकार बदलता हूँ, लोहे को पिघला के आकार बदलता हूँ। ये ले, ये लोहा ले, पकड़, इसका आकार बदल, और मुझे दरवाजे की कुंडी चाहिए, कुंडी बना के दे, बना। कार्तिक, क्या है ना, मेरे बाथरूम में कुंडी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो जब भी लोग मुझे देखते हैं, शेम शेम करके चले जाते हैं। Oh my God, this is an open bathroom case. सारा, आपका केस खारिज किया जाता है और तुमको सजाए मौत दी जाती है। Very good, ये सही। भाई ये क्या बकवास हुई? पेन भी तोड़ दिया, सजाए मौत। अरे तुम वकील को कैसे सजाए मौत दे सकते हो यार? पेन टूटा नहीं, तुम्हारी सजा बच गई। तुम सजाए मौत नहीं लेना चाहते? नहीं यार, उसको दे दो, मेरी सुबह से एक भी सजाए मौत नहीं बिकी। मेरी बोनी करवाओ यार, मैंने भी तुम्हारा अनिल कपूर करवाया। हाँ तो अनिल,
एक मैं अनिल कपूर अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं मैं रम पम पम रम पम पम रम पम पम रम पम मिलॉर्ड आप केस पे ध्यान दीजिए एक मिनट मिलॉर्ड कौन है आप हैं मैं मिलॉर्ड हूँ के जज हूँ जज अरे तो वो मिलॉर्ड कह रहा है मेरे को तू वकील जज को मिलॉर्ड ही बोलता है ओए अलिफ लैला की चुड़ैल तू मेरे को कंफ्यूज कर रही है मेरे को कोई मिलॉर्ड कह रहा है कोई जज कह रहा है पता है व्हाट द लव मेरा अगला आरोप कार्तिक आर्यन पे है कि पहली लव आजकल आई थी उसमें सैफ अली खान जी थे ये अगली वाली आ रही है इसमें आप हैं मतलब सैफ अली खान जी से आपने उनका लव आजकल छीन लिया है अबे ओ अमृतसरी भटूरे इतनी देर से क्या बकवास किया जा रहा है कभी इन पे आरोप लगाता कभी उन पे आरोप लगाता है मैं तो कहता हूँ उस आदमी को इधर बुलाओ जिसने आरोप लगाया आप पहले मारेंगी कि मैं मारूं आप ही मार लो तू जो इतना गंदा सैफ अली खान कर रहा है ना तू वाव वाव नहीं तू पाओ पाओ मांग कम से कम तुझे खाने को मिल जाएगा मैं चाहे वाव वाव करूं चाहे पाव पाव करूं लेकिन तुम वाव वाव मत करो वरना तुम्हें को बिस्किट डाल जाएगा वाव सारा इज देयर हाय सारा बिग फैन हाउ आर यू ओए एक तो तू पहले बाल संजय दत्त वाले लगवा के आ गया और वो कहां नवाबों का खानदान तू फटी जुराबों का खानदान खबरदार अगर उसको बिग फैन बोला तो अगर मेरी जुराब फटी है तो आपके जूते में दर्द क्यों हो रहा है ऐसे नहीं मानते ये लोग सारा मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा इट वॉज अमेजिंग मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला क्या वाओ 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 ओए तू टॉयलेट जा पहले कार्तिक एक रिक्वेस्ट है एज ए फ्रेंड अगर ये अकेली नहीं तो इन दोनों को मिला के कोई एक्सचेंज ऑफर में पतीला वगैरह मिल सकता तो मेरे को दिला दो तुम्हें बोलना है कुछ अरे जब तूने मुझे लड़की बनाया मैं तब भी कुछ नहीं बोला मैं अब क्या बोलूंगा वाओ जेंडर बदलने के लिए आप मिन से मिले बाजार से सस्ते रेट पे और आप एक काम करिए इस पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो करेंगे सैफ ही करेंगे और सैफ के अलावा कुछ नहीं करेंगे आप इस पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो भी करेंगे अनिल कपूर करेंगे बीच में गोविंदा का डांस नहीं घुसाएंगे हाँ तो क्या प्रॉब्लम है मैं जो करता हूँ अपने मामा का करता हूँ तेरे भांजे में क्यों दर्द हो रहा है माय लॉर्ड मैं आपका ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्तिक आर्यन ना मेरी फिल्म छीन के बैठा हुआ है यहाँ पे ओह मैं तुम्हारी बात मान लूंगा जी पहले सैफ अली खान की आवाज में बोलो तो ये कौन से शाहरुख खान की असली आवाज निकाल रहा है अगर नहीं यकीन आता तो आप चंकी पांडे से पूछ सकते हैं अबे ओए चंकी पांडे नहीं मैं अनिल कपूर हूँ आप ही बताइए ना अमरीश पुरी साहब अशरफ अले अशरफ अले अशरफ अले तेरे मैंने पानी मार रहा मुंह पे तेरे क्या हो क्या रहा है जैसा तू सेव कर रहा है अगर तैमूर ने देख लिया ना तो अपनी नैनी को बोल के तेरे नाना को पिटवाएगा वो सारा तुम लोग बकवास करते जा रहे हो मैं सोनी टीवी जो भी देख रहे हैं मैं उनसे भी बकवास करता हूँ मैं दूसरे चैनल पे जा रहा हूँ अरे दूसरे चैनल पे जाने से कुछ नहीं होता मैं वहीं से आ रहा हूँ जो है इधर ही है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ हाँ अभी एक आध दो और भी आने वाले हैं नहीं अब और कोई नहीं आएगा ऑलरेडी बहुत लोग आ चुके हैं रादर एक दो को जाना चाहिए अब चलो ठीक है दरवाजा उधर गेट आउट तेरे को बड़ी हंसी आ रही है ज्यादा हंसा तेरी तोड़ दूंगी मैं तूने भी ज्यादा वाव वाव किया ना मैं भी तेरा वाव वाव तोड़ दूंगा अरे चुप कर मैं नहीं तो तेरा है तोड़ दूंगा क्या
तोड़ के दिखा मैं करूंगा किसने बनाया इनके जानवर वाले रूप को देख के मेरी सोनी टीवी से गुजारिश है कि इन्हें सोनी टीवी की इनको जू टीवी की जरूरत है और मेरे अंदर का जानवर भी जाग चुका अब किसी ने होए होए वाह वाह हे हे किया मैंने उनके पेट पे मारना ही सारा केस मेरे मैनेजर केस का फैसला मैं सुना रहा हूँ सारा आप बरी की जाती हैं और मैं आपके साथ गोवा जा रहा हूँ अदालत की कार्रवाई दरख्वास्त की जाती है फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.